गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी। कल की तरह थोड़ा सा खराब है तो काम चला लीजिएगा। दवाई वगैरह वैसे मैं ले रहा हूँ, बट वही है, देखिए ये चीज़ें समय के साथ सही होती है, तो होपफुली कल तक परसों तक ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, गला थोड़ा सा खराब है मेनली ड्यू टू दिस वेदर चेंज ओनली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शुरू करें। आवाज आपको आ रही है ना? थोड़ा सा जो है भारी आ रही होगी, गला मेरा खराब है, रात को मैंने मेडिसिन विक्स वगैरह जो है ले ली थी, बट स्टिल इट विल टेक सम टाइम। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। क्या आप तैयार है इस क्लास को लगाने के लिए? अगर आप तैयार है तो आज की क्लास थोड़ी अलग तरीके शुरू करते हैं। ये आपके एंशिएंट की सेकेंड लास्ट क्लास होगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद एक क्लास आपकी जो है 29th को शो हो रही होगी, एंड वो इसी महीने में जो कोर्स है आपका पैक हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि कुछ और ऐसा रह गया है जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप अगले आधे घंटे के अंदर उसे भेज दीजिएगा, और मैं अकॉर्डिंगली, अगर मुझे लगेगा फाइनल कॉल मेरा ही होगा उसमें कि उसे ऐड करना है या नहीं करना। एंड मेक श्योर ऐसा कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आप मत भेजिएगा 50 टॉपिक की, क्योंकि अधिकतर चीज़ें वैसे मैंने कवर करा दिया। फिर भी कुछ हो, अगले आधे घंटे में आप उसे भेज दीजिएगा, उसके बाद वो कंसिडर नहीं होगा। द रीजन बिंग कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा हटके है, तो उसके लिए मुझे भी जो है आपके लिए हो सकता है स्क्रीन पर कुछ प्रेजेंट करना हो या एग्जाम ओरिएंटेड डेटा तैयार करना हो, है ना? तो इट विल टेक सम टाइम। चलो शुरू करते हैं कहानी। ऐसा कुछ भी हो, जैसे कि पिछली क्लास में भी एक एस्पिरेंट ने कहा था, तो आप मुझे आज आधे घंटे के अंदर अंदर उसे भेज दीजिएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन आप खाली रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कंप्लीट ऑनेस्टी। कॉपी को अपनी बंद कर दीजिए, मैं आपसे मुश्किल से 3 या 4 सवाल पूछूंगा। कमेंट सेक्शन में आप आंसर नहीं दे सकते, आप इसका आंसर देंगे पोल में। ठीक है, बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू मी, आप आंसर जो है पोल में ही दीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इनमें से वो कौन है जिन्हें नर केसरी के नाम से जाना जाता था? पोल आपके लिए खोल दिया गया है अब। और ठीक है प्रिया, सिर्फ 25% लोगों को इसका आंसर पता है। बहुत ही गलत बात है आप लोगों के पार्ट पे ये, बट कोई बात नहीं। अगला सवाल, अरुमोली वर्मन के नाम से किसे जाना जाता था इनमें से? रियलिटी ये है दोस्तों, सुबह सुबह मूड खराब होता है, हो जाए आपका, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी ये है कि हमने कल जो पढ़ा हमें वो आज याद नहीं है। आप देखिए हमने उसे कैसे पढ़ा। इनमें से वो कौन है माना जाता है जिसने जो है एक रेवेन्यू मॉडल दिया था जो लैंड मेजरमेंट पे बेस्ड था? लैंड मेजरमेंट पे बेस्ड था, पोल खोला गया है। आधे आधे पे बात रुक रही है। अरे अगला सवाल, इनमें से वो कौन है जिसने ये शहर बनवाया था तमिलनाडु में, गंगाईकोंडा चोलापुरम? कमेंट सेक्शन खाली ही रखिएगा, जैसे अभी तक खाली है। चिदंबरम टेंपल की छत को गोल्ड का कराने में किसका कंट्रीब्यूशन है?
हु प्रोवाइडेड अ गोल्डन रूफ टू चिदंबरम मंदिर, टू नटराज मंदिर, आई वुड से टू टू बी वेरी स्पेसिफिक, नटराज टेम्पल इन चिदंबरम। नमस्ते, जो लेट आए हैं वो रीजन लिखे, वो लेट क्यों है सभी, बाकी सब कमेंट सेक्शन खाली रखेंगे। क्वेश्चन एसोसिएटेड आंसर नहीं आने चाहिए जो मैं स्क्रीन पर बना रहा हूँ। वैसे रीजन सभी लोग बताएंगे जो लेट आए हैं क्लास में, क्यों लेट आए हैं, और ईमानदारी रखिएगा क्योंकि वही अच्छा रहेगा। फर्स्ट रूलर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इनमें से वो कौन सा शासक है जो माना जाता है पहले कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रूलर थे, मतलब उनका पल्लवों से कोई कनेक्शन नहीं था। कनेक्ट नहीं हो रहा था, ब्रेकफास्ट कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास में टाइम से आया करें। देखिए, नुकसान सिर्फ एक इंसान का है, वो है आपका। ठीक है, कोई गेस कर सकता है कि आज मेरा मूड खराब क्यों है, मतलब अभी मेरा मूड खराब क्यों हो रहा है? पोल परसेंटेज देखिए, आपको समझना होगा, ऐसा हार्डली किसी क्लास में होता है कि मैं आपको स्ट्रेस देता हूँ। क्या मैं इस बात को सही कह रहा हूँ? हार्डली किसी क्लास में मैं आपको स्ट्रेस देता हूँ। पूरे कोर्स में किसी भी 2 साल पुराना देख लो या 4 साल पुराना देख लो, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन बदले में मेरी एक्सपेक्टेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके हिसाब से? जनरली ऐसा होता नहीं है, आज बात कर लेता हूँ, आखिरी क्लासेस में से एक है। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहे हो, 5 मिनट आगे बढ़ा ले सीधा। क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे गुणगान करें कहीं जाके? वो तो मैं खुद ही नहीं करता, कुछ भी नहीं है ना ऐसा। सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, यही है ना। उसी के लिए मैं और आप हम मिलकर मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक कि भाई सिलेक्शन हो जाए आपका। वरना मुझे क्या पड़ी है कि आप 10 बजे आओ या 12:45 बजे आओ, मुझे तो नहीं पड़ी। मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, किसी के डाउट हो डाउट भेजो, चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या यहाँ पर कभी आपने ऐसा सुना है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं स्पेशल में प्लस में? क्या आपको लगता है मुझे उस काउंट का फर्क पड़ता है? कभी भी नहीं। मैं बहुत अलग तरीके पढ़ाता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में एक बच्चा है या 1,000 बच्चे। ठीक है, तो बदले में अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए खुद ही सीरियस नहीं है तो कैसे काम बनेगा बताइए? क्या अगले सीजीएल के लिए फिर से कोर्स लगाने आएंगे मेरे पास? मैं तो नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने आपके 50-60 घंटे ले लिए जीवन के, बस हो गया। आप दोबारा नहीं पढ़ानी मुझे आपको हिस्ट्री, अब तो आपको मैथ्स पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये वो पढ़ना है ना। अब बताइए, कल की क्लास का कंटेंट आपको याद क्यों नहीं है? सभी लोग बताएंगे कि कल की क्लास का कंटेंट आपको याद क्यों नहीं है। ऑल करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। जिसका एक आध गलत भी है वो चलेगा, रिविजन नहीं किया। क्यों नहीं किया रिविजन? अपने मन से पूछ के देखो, क्या समय की कमी थी? नहीं थी, समय था। अगर आप आज 9:45 भी बैठ जाते तो आपका रिवीजन हो जाता, और अगर ये 15 मिनट भी आपके पास नहीं है तो फिर कैसे तैयारी आप कर रहे हैं? आपका प्लान में कमी है। इफ यू डोंट हैव दीज 15 मिनट्स, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर प्लान। ठीक है, प्रगति हिम्मत करनी पड़ेगी बेटा, बुरा मत मानना। आपका जब रिजल्ट आएगा ना, उस समय कोई नहीं सुनेगा इस लाइन को, कोई नहीं समझेगा इस लाइन को। हो सकता है मैं समझ लूँ, आप खुद समझ लो, शायद परिवार वाले समझ ले, बट कड़वी बात यह है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तबीयत, मेरी भी तो खराब है। मैं भी तो 4-5 घंटे बोलूंगा आज, कल भी बोला, तो वो तो देखो 15 मिनट आपको किताब खोल के पढ़ना है, इतनी तबीयत खराब नहीं होती कि आप वो पढ़ ना पाए। वो तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सीख ये है इस क्लास की, ठीक है, कि अच्छे से पढ़ना है। एजुकेटर कितना भी भारी कंटेंट पढ़ा दे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप जब तक घर पे एफर्ट नहीं दिखाएंगे, ये बस नोट्स पढ़े रह जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, या तो कोर्स ना लगाएं, लगाएं तो ऐसे लगाएं कि उस कोर्स का डेटा आपको याद हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। कभी कभार इस तरीके की बातें भी जरूरी होती हैं, स्पेशली कोर्स की शुरुआत और एंड में, जिससे कि आपकी जो डायरेक्शन है जीवन की वो ना बदले। चलो, रिवीजन करना पड़ेगा जी, रिवीजन करना पड़ेगा ऋतु, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। और सपना का एक कमेंट आया था कि सर राजेंद्र तृतीय कौन है? आप शायद कल जल्दी चले गए होंगे, बट आई थिंक आप क्लास में एंड तक थे। क्या आपको याद नहीं है राजेंद्र तृतीय जो है वो लास्ट रूलर थे? ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, हर डायनेस्टी का पहला आखिरी फेमस, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस चोल एम्पायर। ठीक है, चलो चलते हैं दोस्तों आगे। एक न्यू डायनेस्टी में आपको पढ़ा रहा हुआ है,
राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इस डायनेस्टी से जनरली कम सवाल देखने को मिलते हैं, कोई बात नहीं सकता। इस डायनेस्टी से जनरली कम सवाल देखने को मिलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये अपने कोर्स का हिस्सा है। कभी कभार इक्का दुक्का इससे इनडायरेक्टली सवाल बना है तो अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि एक सवाल है, वो ये है कि जो एल्लोरा केव्स है, सुनी होंगी वही महाराष्ट्र वाली, उसमें एक बड़ा फेमस मंदिर है, कैलाश मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। वो किसने बनवाया? वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब प्रॉब्लम वही आ गई कि इसका मतलब अपने को पढ़ना पड़ेगा। या कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट कौन है, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि जीन सेन जो थे उनसे एसोसिएटेड कौन है, तो अपने को थोड़ा डेटा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी पूरे तरीके बोरिंग, बट इट इज अगेन वी अ पार्ट ऑफ सिलेबस, सो हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप राष्ट्रकूट को इमेजिन करेंगे तो आप कर्नाटक इमेजिन करेंगे। एक बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी मदद मैंने आपकी कर दी है। आप कर्नाटक को इमेजिन कर लीजिएगा। जैसे जब आप टीपू सुल्तान को इमेजिन करते हैं, तो आप मैसूर को इमेजिन करते हैं, जो कि कर्नाटक है एक तरीके का। उस जमाने में जो मैसूर था, आज का वो कर्नाटक है। ऐसे ही आप इसे भी जो है कर्नाटक के इमेजिन करेंगे। तो जैसे ही आप इसे इमेजिन करेंगे, तो एक और काम आपका आसान हो जाएगा कि ये कौन सी भाषा बोलते होंगे ये लोग। ये बोलते होंगे कन्नड़। कन्नड़ नहीं होता, कन्नड़ा होता है जहां तक मुझे पता है। फिर भी आप लोग हो सकता है बेटर जानते हो, बट आई थिंक इट इज कन्नड़ा। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी कर्नाटक रीजन की है और भाषा जो है कन्नड़ा, ये बोली बोला करती थी। और ये 8th सेंचुरी, आप साथ साथ चाहे तो नोट कर सकते हैं, से 10th सेंचुरी के बीच की एक डायनेस्टी है। और एक्चुअली जो इनका किंगडम था, आप चाहे तो ये बना भी सकते हैं ऐसे गोला मार के, इस इलाके में फैला हुआ था। तो नॉट एग्जैक्टली कन्नड़ा, नॉट एग्जैक्टली कर्नाटका, बट स्टिल उसी इलाके को आप मान सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अब इसके जो फाउंडर हैं वो हैं दंती वर्मन, और इन्हीं का दूसरा नाम था दंती दुर्ग। ये भी पेपर में एक बार पूछा गया, क्योंकि फाउंडर है तो पता होना चाहिए। और इन्होंने क्या करा था, एक चालुक्यन किंग थे कीर्ति वर्मन, लिख देता हूं मैं, दंती दुर्ग डिफीटेड चालुक्यन किंग कीर्ति वर्मन, और अपना एम्पायर इन्होंने बना लिया। कुछ इलाका इनके अपने कंट्रोल में आ गया और वहां पर एक नया एम्पायर, नई डायनेस्टी से बन गया। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल योगेश, इस पेज पे जो डेटा है, 50% क्वेश्चंस राष्ट्रकूट के यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। रिमेनिंग 50% के लिए हम बाकी मेहनत करेंगे। चले जी आगे। जो बच्चे क्लास में शुरू से हैं, जो उनके दिमाग में हल्का सा स्ट्रेस है ना, उसे हमेशा रखा करें। वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, वो आपको हर समय मदद करता है टाइम वेस्ट ना करने पे। जो लेट आए हैं वो तो नहीं समझेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। वो जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस में मैं वर्क नहीं कर पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हल्का सा स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो आपको ना टाइम वेस्ट करने से रोकता है। जब आप बैठ के आराम से चिल कर रहे होते हैं, तो वो खुद आपको कहता है, अरे यार क्या कर रहा है यार, पेपर आ रहा है। तो वो थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो जरूरी है, वो आपके जीवन में होना ही चाहिए। नेक्स्ट, कृष्ण प्रथम, 756 से 774 AD। अगेन ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक आइडिया के लिए बताई जा रही है। डिफीटेड वेंगी रूलर, ये भी एक डायनेस्टी या किंगडम कह सकते हैं, विष्णुवर्धन। साउथ में बहुत सारी डायनेस्टीज रही हैं और अपने को सारी कवर नहीं करनी है। अगर आप किसी स्टेट के PCS वगैरह की तैयारी करें वहाँ के, तो ही आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाना होता है। अपने को बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देखना है। ये सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कृष्ण प्रथम कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल एट एलोरा केव्स, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एक बार चेक कर लेना कि नंबर। नेक्स्ट, गोविंद द्वितीय, 774 to 780। ये इनके बारे में कुछ भी ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे, ये अगले पेज पे बताता हूँ।
तो इसे क्वेश्चन टाइम में भेजिए, इस बारे में बात मैं आपसे करूंगा 12 बजे के आसपास। नहीं ऐसा नहीं है योगेश, बुद्धिज्म जैनिज्म के भी प्रिंट्स हैं यहाँ पे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है, चलिए आगे। जो नेक्स्ट रूलर की बात मैं आपसे कर रहा था, मतलब ये यही वाले नेक्स्ट है, ये अगले पेज पे पढ़ा रहा हूँ आपको, या इसे हटा ही देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। इनके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, गोविंद द्वितीय के बारे में। अगले नंबर पे जो है नेक्स्ट, वो है ध्रुव, 780 से 793, 782-793। इनसे एक ही सवाल मेन बनता है कि विच राष्ट्रकूट किंग वॉज इन्वॉल्व इन अ ट्रायंगुलर स्ट्रगल विद गुर्जरा, प्रतिहार एंड पाल डायनेस्टी, ऐसे करके एक सवाल बन सकता है। लिख देता हूँ, रिलेटेड टू ट्रायंगुलर स्ट्रगल विद पाल एंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। थोड़ा सा और डिटेल में इसे पढ़ेंगे। देखिए, एक तरफ है ध्रुव, अच्छा प्रशांत, एक तरफ ध्रुव है, ये जो है अपने हैं राष्ट्रकूट, आप ब्लू वाली लाइन लिख के रुक जाना, ये नीचे वाली बात तब नोट करना जब मैं पूरा बना दूं, एक मैं हल्का सा डायग्राम टाइप बना रहा हूँ। ये जो है डिफीट करते हैं धर्मपाल को, जो कि पाल डायनेस्टी है बंगाल की, और वत्स्य राज को, जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है। इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट है, बस नोट करिए। कह सकते हैं मतलब शाब्दिक अर्थ प्रीति दोनों का सेम है, सेम है अक्वाची। कई सारी चीजें अंग्रेजी की है ही नहीं, अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसे बनाया है, जैसे नरसिंह है तो सिंह सिम्हा सिम सब एक ही है। दोनों को आप अक्वाची स्पीड में बोल के देखोगे तो एक ही आवाज आएगी। ये बंगाल वाले इलाके की है और ये नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का मतलब ये इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न इंडिया लिख देते हैं उसका भी रहेगा। हाँ सही है, वो भी सही है। इस मामले में हिंदी भाषी बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो सटीक शाब्दिक जो स्पेलिंग है वो पढ़ लेते हैं, बट उसमें ही प्रॉब्लम है, कई बार हिंदी में भी गलत प्रोनाउंस करा जाता है, जैसे नरसिंह देव बोलते हैं हिंदी में, वो गलत नरसिम्हा या नरसिम्ह है वो, तो इतना चलता है, कोई बात नहीं। यस प्रिंस, यस तिवारी, चले दोस्तों आगे। नेक्स्ट, गोविंद तृतीय, डिफीटेड गुर्जर किंग नागभट्ट, हेल्प धर्मपाल इन हिज स्ट्रगल, धर्मपाल की मदद करी थी उन्होंने, ऐसा भी माना जाता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट किसी भी काम का नहीं है धर्मपाल वाला, पहला ही आए तो आए पेपर में। नेक्स्ट, अमोघ वर्ष 814 से, ठीक है नोट करिए आराम से। आठ सौ चौदह से
878, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यस श्रेया, वैसे तो एक डायनेस्टी ही है तो सबका किसी ना किसी कोई कनेक्शन है, बट हर जगह डायरेक्ट फादर सन रिलेशन नहीं है और वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसी वजह से वो कनेक्शन में बिल्डअप कर ही नहीं रहा है, सब एक ही डायनेस्टी के। He was into Jainism by Jain Sen, Jain monk. जनरली सब हिंदू धर्म के ही लोग हुआ करते थे, बट इन्हें ये जो है आगे जाके जैन धर्म अपना लेते हैं और ऐसा करा जाता है जीन सेन के द्वारा एक जैन भिक्षु के। एज पर सुलेमान, एन अरब मर्चेंट, एक उस जमाने का बड़ा व्यापारी हुआ करता था जो अरब से आया था भारत, उसके हिसाब से दुनिया में चार ऐसे शासक हैं जो सबसे बड़े हैं एज पर हिम, फोर ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तो है खलीफा, याद होगा बगदाद के खलीफा, एक है किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, गुड मॉर्निंग, एक है किंग ऑफ चाइना और एक है अमोघ वर्ष। मुझे पर्सनली लगता है इसके कोई और रीजन रहे होंगे, क्या पता कुछ व्यापार संबंधी कुछ बहुत बड़ा जो है फेवर करा हुआ अमोघ वर्ष ने, या फिर कुछ ऐसी लड़ाइयां सुलेमान ने खुद देखी हो जो क्लेम करा है, बट अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को जो है सिंपली डेटा को याद करना है, आगे बढ़ना है। उसका रीजन आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी किसी का नाम नहीं लिखा गया, मतलब नाम सिर्फ इन्हीं का लिखा गया, बाकी सब पोस्ट लिखी गई है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है किसी को पता है? व्हाट इज दिस? ये बड़ा फेमस है। नहीं, आज का इस्तांबुल पता है आपको? बहुत बढ़िया विवेक, शाबाश। आज का इस्तांबुल ही जो है वो एक जमाने का कॉन्स्टेंटिनोपल था और ये जो है आज तुर्की में पड़ता है, लिख देता हूं मैं। देखिए ये जो है रोमन एम्पायर का सेंटर था, ये रोमन एम्पायर का जो है सेंटर माना जाता था और आगे जाके तो आज बस एक शहर बन के रह गया है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, लिख देता हूं मैं आज का इस्तांबुल। आगे चलते हैं, अब कई सारे शासक आएंगे, कृष्ण द्वितीय, बिल्कुल। समय के साथ सीट्स काफी बार बदली हैं हकवाची, ये मेनली रोमन, इसका लोकेशन बहुत प्यारा है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे इस्तांबुल को देखेंगे तो यूरोप एशिया के सेंटर में बैठा हुआ है और इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से। आज के समय भी इस्तांबुल की काफी ज्यादा, तुर्की की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और पहले ये एक बहुत बड़ी जगह थी, आज बस एक शहर बन के रह गया है। जब आप इतिहास को देखेंगे ना तो आपको वर्तमान बड़ा छोटा दिखेगा, आज हम सोचते हैं अरे हमारा ये शहर, हम वो है, हमने ये कर लिया, जब आप देखेंगे ना पिछले 500 साल 1000 साल में क्या क्या हुआ, आपको लगेगा अरे यार ये सब भी बहुत छोटा सा ही हिस्सा है। देखो ये सब किंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कृष्ण तृतीय के बारे में पढ़ा देता हूँ। ये माने जाते हैं लास्ट पावरफुल किंग ऑफ राष्ट्रकूट्स, उसके बाद कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट जो है वह कर्क द्वितीय, आप इन्हें सीधा लास्ट रूलर भी कह सकते हैं, और कोई कहता है कि नहीं इनके बाद भी इंद्र फोर भी आए थे, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, आई होप आप समझ गए, ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। अधिकतर किताबें यही कहते हैं कि ही गॉट, ऊपर वाले ही गॉट डिफीटेड बाय तैला करके कुछ इनका नाम होगा, ये एक
चलो किकिंग थे। देखिए कई बार क्या होता है, एक इंसान को हराया, कुछ दिनों के लिए कोई और आके उस पर बैठ गया, तो उस वो कैटेगरी में आ सकते हैं इंद्र फोर, बट जनरली जो है लास्ट रूलर इन्हीं को माना जाता है, अपना ये जो है कर्क द्वितीय को। फिर भी अगर ये ना मिले तो आप इधर भी कनेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए राष्ट्रकूट की का जो सेंटर ऑफ पावर था वो था आपका कर्नाटक में, और वहीं पर एक जगह है मलखेड़ नाम की कर्नाटक में, जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, मन्ने खेत पहले उसे कहा जाता था। चले जी आगे। नहीं, अमोघ वर्ष के द्वारा ये जो है बनाई गई थी। चले दोस्तों आगे। 10th सेंचुरी का एंड मान सकते हैं आप युवराज, लिख देता हूँ ये प्यारी सी बात। यहीं पर अमोघ वर्ष में छोटी सी बात आप ऐड कर सकते हो, अमोघ वर्ष एक ही लाइन है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना अपने नोट्स में। अमोघ वर्ष फाउंडेड द सिटी ऑफ मलखेड़ एंड एस्टैब्लिश्ड इट एज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट। कर्क द्वितीय माने जाएंगे। अभी दिखा देता हूँ, करा दिया आपने नोट। ये लास्ट पावरफुल है अनु, यानी इनके बाद के सब इतने पावरफुल शक्तिशाली नहीं थे। लास्ट रूलर कर्क द्वितीय माने जाएंगे, अगर वो ऑप्शन मिला हो तो इंद्र चार जो है इन्हें भी आप मान सकते हैं। कर लिया जी आपने नोट। एक ही है अजीत। हाँ तबीयत थोड़ी डाउन है, गला खराब है, मेडिसिन वगैरह चल रही है, बट वो 3-4 दिन लग ही जाते हैं। जी हाँ सपना, थोड़ा मेरा गला खराब है आज, 2-3 दिन से दिक्कत चल रही है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चल के 1-2 दिन का ब्रेक भी मैंने प्लान करा है अपने लिए, इसलिए मैं सैटरडे संडे थोड़ा भारी रख रहा हूँ, जिससे कि मुझे मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा आराम मिल जाए। चलिए आगे दोस्तों, नोट कर लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी। सब डायनेस्टी एक से एक मुश्किल है, तो घर पे रट्टे मारने पड़ेंगे बैठ के, क्योंकि ये डायनेस्टीज में क्या है ना, छोटी डायनेस्टीज हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली सल्तनत या बाकी सब, तो डेटा भी कम रहता है, दूसरा अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी जितना मैं समझा पाऊंगा उतना समझाऊंगा, बाकी घर पे एफर्ट डेफिनेटली आपको लगाना होगा। नेक्स्ट डायनेस्टी, नेक्स्ट डायनेस्टी है कोई गेस करना चाहेगा कि ये कौन से इलाके की हो सकती है? साउथ इंडिया, कर्नाटक,
अच्छा, कर्नाटक में एक से ज्यादा डायनेस्टी कैसे हो सकती है? आंसर तो वैसे इसका कर्नाटक है मेनली, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये वाला इलाका हो गया डिफीट करके। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये जो अपना वकाटक है ये आपको देखने को मिलते हैं मेनली डेक्कन प्लेट्यू वाले हिस्से में, यानी नॉर्थ का कर्नाटक और महाराष्ट्र और आंध्रा वाला इलाका जो भी आप लोग लिख रहे थे वो सारे के सारे सही हैं। ये सभी इलाकों के अंदर ये डायनेस्टी फैली हुई थी, ठीक है। वाकाटक इसे बोलते हैं डायनेस्टी, ठीक है, वाकाटक डायनेस्टी कहें, किंगडम कहें, जो कहना चाहे कह सकते हैं। जब नॉर्थ में गुप्ता साम्राज्य चल रहा था तब ये दक्कन वाले हिस्से में डायनेस्टी चल रही थी, तो मैं कह सकता हूँ इट इज कंटेम्पोररी टू गुप्ता एम्पायर। तो क्या ये ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं 3rd सेंचुरी की डायनेस्टी होगी? 3rd सेंचुरी से शुरू होगी, खत्म कहाँ होगी वो देख लेंगे अभी समय के साथ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है डायनेस्टी। कंटेम्परेरी जो गुप्ता एम्पायर ध्यान रखेंगे, यानी अगर एक मैप मैं आपके सामने बनाता हूँ तो जब इस पूरे इलाके में गुप्ता साम्राज्य चल रहा होगा, यहाँ पर विंध्या रेंज है ना, और आप ऐसे समझिए कि ये जो पूरा हिस्सा है, या थोड़ा सा और नीचे तक आप आ जाइए, ये हो गया वकाटक डायनेस्टी, ये वकाटक डायनेस्टी, ये बना लीजिएगा, एक अच्छा रिवीजन हो जाता है इन चीज़ों से। वैसे ये डायनेस्टी जो है ब्राह्मिन थी, बट इट रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स एज वेल, स्पेशली बुद्धिज्म। यानी ब्राह्मिन डायनेस्टी थी और बुद्धिज्म की रिस्पेक्ट पूरे तरीके करा करती थी। इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं मेनली संस्कृत में और प्राकृत में। और ये 3rd सेंचुरी वाली बात भी फिक्स नहीं है, कुछ सोर्सेस जैसे कि पुराण एक डायनेस्टी की बात करते हैं विंध्यक्स की, कि एक डायनेस्टी हुआ करती थी, माना जाता है कि वो ये जो वाकाटक डायनेस्टी है इसी की बात कर रहे हैं। तो अगेन कोई लिमिट नहीं है इन कंफ्यूजन्स की, हम बस एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चले जी आगे, जी हाँ प्रिंस, एज पर कर्नाटक का नॉर्थ वाला हिस्सा था संस्कृति, मेनली महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक का थोड़ा सा ऊपर वाला हो गया, और आप इस तरफ जाएंगे तो आज का छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना वाला हिस्सा हो गया है, वो वाला हिस्सा था इनके कंट्रोल में, बट क्योंकि तेलंगाना पहले आंध्रा ही था तो इसलिए आंध्रा भी हम कह सकते हैं एज पर पुराणस। ये बस लिख रहा हूँ, क्या पता आपसे पूछ ले। विंध्यक्स इज इक्वल टू जिसके जो डाउट हो अगले 15 मिनट में भेज दीजिएगा। और डिफरेंट एम्पायर का मतलब क्या है अमित, थोड़ा सा डाउट डिटेल में लिखिए। ये कंटेंट वाइज क्लास जो है 12 बजे तक चलेगी, आपने अगर नोटिस करा हो तो इस क्लास की टाइमिंग है 10 बजे से 12:30 बजे तक, तो 2 घंटे में आपको प्योर कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जो आधा घंटा होगा उसमें जितने आपके डाउट्स होंगे वो देख लूंगा एंड आपको फ्री कर दूंगा। कंटेंट वाइज आप 12 बजे तक मुझसे फ्री हो जाएंगे। एज पर पुराण वाली बात आपने लिख ली है, अब बात कर लेते हैं जी इसके फाउंडर की। सारा डेटा भले याद ना कर पाए, फाउंडर आखिरी रूलर और इम्पोर्टेंट रूलर याद कर लीजिएगा। डिफरेंस क्या है एम्पायर एंड सेकेंड शब्द में नहीं समझ पा रहा, क्या लिख रहे हैं आप, एम्पायर एंड रीजन? अच्छा कोई फर्क नहीं है अमित, रीजन का मतलब होता है इलाका, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, ठीक है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों को सेम मान सकते हैं। फाउंडर
विंध्य शक्ति 250 एडी से 270 एडी तक माना जाता है इन्होंने राज करा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कोई बात नहीं, अमित, प्रवीर और प्रवर सेन। करा जी आपने नोट, नेक्स्ट प्रवर सेन प्रथम, ही वॉज सन ऑफ विंध्य शक्ति। वो सिर्फ प्रवर सेन है, ये प्रवर सेन प्रथम है। ये माना जाता है इन्होंने 60 साल तक जो है राज करा। मुझे डाउट होता है इस बात पे कई बार, बट स्टिल मान लेते हैं। हिज सन गौतमी पुत्र मैरिड डॉटर ऑफ भवनाग, या भवनाग ये एक नाग किंग थे। रट्टे मारने वाली बातें हैं। whose son is said to have married, ऐसे करके देगा आपको। प्रवर सेन पे टिक करना होगा। He established matrimonial alliances with many kingdoms and thus controlled बुंदेलखंड टू हैदराबाद। थोड़ा फ्रेमिंग मैंने शॉर्ट कर दिया। कंट्रोल्ड द रीजन्स फ्रॉम बुंदेलखंड टू हैदराबाद होना चाहिए था, बट थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। यानी बुंदेलखंड यानी सेंट्रल इंडिया वाला जो हिस्सा है, वहाँ से लेकर हैदराबाद तक का पूरा हिस्सा इन्होंने इंडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था। और उस पूरे इलाके को इंडायरेक्टली चलाते थे। आपको मजा कम आ रहा होगा पढ़ाई में, बट कमाल की बात यह है कि आगे चल के मजा और कम होने वाला है। भव नाग लिखा है, नगर नहीं है पंकित, और इन नाग किंग है। अभी आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आगे देखिए अब क्या होता है। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता है सपना कि मान लेते हैं एक किंगडम का जो राजकुमार है वो दूसरे किंगडम की राजकुमारी से शादी कर लेता है और उनके बीच में एक पारिवारिक संबंध बन जाता है और उस वजह से वो दोनों इलाके आपस में कभी लड़ाई नहीं करते। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है अकबर। अकबर के जो माना जाता है जोधा से जो शादी हुई थी, वैसे जोधा भाई कोई थी नहीं बट स्टिल मान लेते हैं कोई जोधा भाई करके पर्सनैलिटी थी। तो वो जो है एक मैट्रिमोनियल अलायंस है, यानी वो दो इलाके जो है आपस में एक दूसरे पर अटैक इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज उनके बीच में जो है एक पारिवारिक संबंध बन चुका है। डायनेस्टी बिल्कुल सेम है अजीत, जो भी पढ़ाऊंगा वो सब कुछ आपको भी उसी एक डायनेस्टी का पढ़ाऊंगा। इस पेज के बाद जो है एक ही डायनेस्टी का है, वो वाकाटक डायनेस्टी का है। ठीक है, क्या यहां तक की बात आप समझ पाए? अब यहां पर जो है मसला और बिगड़ने वाला है, कहानी खराब होने वाली है। क्यों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से बात को समझिएगा। अगले शासक बने रुद्रसेन जो थे ग्रैंडसन ऑफ प्रवर सेन प्रथम, और ही वॉज ऑल्सो
नोन एज महाभैरव, ध्यान रखेंगे, ही बिकॉज ही वर्शिप्ड लॉर्ड महाभैरव। किसके रूप माने जाते हैं महाभैरव, लॉर्ड शिव? बिल्कुल सही आस्था, शाबाश, बिल्कुल सही, भोलेनाथ भी सही है। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच ऑफ वाकाटक डायनेस्टी। अभी समझा दूं क्या कहानी है। खरा जी आपने नोट। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए कहानी बड़ी पेचीदा हो जाएगी आगे चल के, तो ध्यान से समझिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे, वाकाटक डायनेस्टी बनी है और वो बनाई गई है यहाँ पर विंध्य शक्ति के द्वारा। और विंध्य शक्ति के बाद जो है उनके ही बेटे जो प्रवर सेन प्रथम है, उन्होंने उस गद्दी को संभाला है। उनके बाद अगले जो शासक यहाँ बने हैं वो है रुद्र सेन प्रथम, लेकिन ये पूरी डायनेस्टी के नहीं है, ये नंदीवर्धन ब्रांच के हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले प्रवर सेन है, उसके बाद प्रवर सेन के बेटे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है एक और पर्सनैलिटी है गौतमी पुत्र, जिनका कोई भी मतलब नहीं है इस बात से। प्रवर सेन की मृत्यु के बाद यहाँ पर जो इनका पोता है जिनका नाम रुद्र सेन प्रथम है, वो एक नई ब्रांच शुरू करते हैं जिसे नंदीवर्धन ब्रांच बोला जाता है। और ये इसी रास्ते पे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये रास्ता है नागपुर वाला, मतलब नागपुर बेस्ड हो गई है ब्रांच। दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पर एक और ब्रांच बनेगी जो कि प्रवर सेन का बेटा, ये तो पोता हो गया और ये जो है बेटा हो गया। बेटे का नाम आपको आगे चल के बताएंगे क्योंकि वो एज अ टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी। ये एक और ब्रांच, वैसे ये भी आगे चल के ही हम पढ़ सकते थे, बट लिख देता हूँ, वत्स कुल्म ब्रांच जो है शुरू करेंगे। और ये महाराष्ट्र का एक दूसरा इलाका होगा अकोला नाम का, वहां से शुरू होगी। यानी इन शॉर्ट दो ब्रांचेस बन गई हैं सेम डायनेस्टी की। इसे आप मेरे कहने से नोट कर लीजिए बिकॉज ये आपको काफी मदद देगा रिविजन के समय, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। इनफैक्ट आप यह सर्व सेम भी लिख ही लीजिए, कोई नुकसान की बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहेगा इसे लिख लेंगे तुम। दोनों एक ही ब्रांच है, आप और लिखे हैं बीच में, मैं अभी देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ पर और लिखा है मैंने। मुझे बताइए कौन से पेज की आप बात कर रहे हैं सपना? कुछ कीवर्ड लिखे सपना उस पेज का। डायग्राम देखिए, आराम से नोट करिए। चले जी आगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी रुद्र सेन प्रथम सर्वसेन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे एक करके, अभी सिर्फ एक रफ आइडिया दिया गया है। शिवराज पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, रीजन बींग कि ये बहुत पुरानी डायनेस्टी है। जो जो अवेलेबल है वो आपको बताया जा रहा है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। पी कहाँ लिखा है मैंने, पी मतलब प्रवर सेन, उसके बाद नीचे लिखा है प्रवर सेन प्रथम, उसके बाद रुद्र सेन प्रथम है आर से। ये सब पी पी वन आर वन आपके पिछले पेजेस में लिखे हैं। यस सुजीत, हम ऐसा कह सकते हैं।
चलो जी, अब मैं आपको एक एक करके दोनों ब्रांचेस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंदीवर्धन ब्रांच ऑफ वाकाटक डायनेस्टी। जब तक मैं आपको कहता नहीं, तब तक जो लिख रहा हूँ वो नंदीवर्धन ब्रांच का है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले मैं इसे पूरे को पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं इसे शुरू करूंगा, अदरवाइज साथ में चलाऊंगा तो मिक्सअप हो जाएगा पूरा। ये कट क्या है? पीओन का नेम वो सरसेन के बारे में समझा नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपने अभी समझा यहाँ पर कि जो प्रवर सेन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने विंध्य शक्ति या प्रवीर नाम के या प्रवर सेन नाम के व्यक्ति ने डायनेस्टी शुरू करी, बिल्कुल। उसके बाद प्रवर सेन प्रथम आ गए, बिल्कुल। क्या गौतमी पुत्र जो कि इनके बेटे थे, उनका कहीं पर भी हमने जिक्र करा है कि वो पावर में थे, ऐसा था वैसा था? नहीं करा। इसलिए गौतमी पुत्र को लिख कर काटा गया है, लिख कर इसलिए बिकॉज हमने इनके बारे में पढ़ा है, बट क्योंकि इन्होंने रूल नहीं करा तो हमने इसे काट दिया। अब हम पढ़ रहे हैं नंदीवर्धन ब्रांच ऑफ वाकाटक डायनेस्टी। सबसे पहले जो है इनके जो यहाँ के रूलर होंगे, जिन्हें हम फाउंडर भी कह सकते हैं, वो होंगे कौन? रुद्रसेन। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोबारा दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो होंगे पृथ्वी सेन प्रथम। He is said to have made an alliance with Chandragupta Dwitiya. He was compared to Yudhishthir of Mahabharata. ये वो गरीब फैक्ट्स हैं, बस अपने को पढ़ना है और आगे पढ़ना है। क्योंकि पहले के ज़माने में रीति क्या होता था कि जैसे मेरे नाम में फर्स्ट लगा है, आगे जाके कोई हो सकता है मेरा बेटा मेरा पोता वही नाम उठाना चाहे, बट वो अपने नाम के आगे टू लगा देंगे, थ्री लगा देंगे। शायद इसका एक रीज़न ये रहा होता होगा कि अगर नाम मैच करते होंगे तो मुझे भी वैसा ही पावरफुल माना जाएगा, तो जनता का सपोर्ट अच्छा होगा और साथ में मैं जो अच्छे काम करूंगा वो ईजिली लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है ऐसा, ऐसा कि लिखित तौर पर नहीं है कि ऐसा ही था, बट आई थिंक ऐसा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अमरेंद्र बाहुबली का बेटा था महेंद्र बाहुबली, है ना, और बाहुबली देखा जाए तो टेक्निकली उनकी कास्ट हुई, तो भल्ला भल्ला जो भल्लाल देव है उनके नाम के आगे बाहुबली आपने कहीं नहीं सुना, बट जब आपने महेंद्र बाहुबली सुना तो ऑटोमेटिकली आपने उन्हें अमरेंद्र बाहुबली से रिलेट करा और आपको लगा कि ये भी वैसे ही अच्छे हैं जैसे कि इनके पिता हुआ करते थे। मे भी कुछ वैसी कहानी जो है उस समय रही हो, बिकॉज टेक्निकली अगर आप उस मूवी को देखते हैं तो बाहुबली के पिता, अमरेंद्र बाहुबली के पिता और भल्लाल देव के पिता जो है वो दोनों आपस में भाई थे, तो टेक्निकली दोनों का सरनेम भी सेम होगा बिकॉज दोनों भाई हैं, क्योंकि उनके पिता सेम हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो भल्लाल देव भी एक बाहुबली ही होगा। मैं मूवी को बड़े अलग तरीके देखता हूँ, तो अब अगर ऐसा हो गया तो सोचो फिर तो मजा ही खराब हो जाएगा मूवी मूवी का। समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि दोनों भाई के बच्चे हैं, एक बाहुबली सरनेम वाला है तो दूसरे का भी सरनेम बाहुबली होगा, तो दोनों के पिता का भी बाहुबली होगा क्योंकि वो दोनों सगे भाई हैं, उनके पिता का भी बाहुबली होगा, तो सारे ही बाहुबली हो गए। खैर आगे चलते हैं, आपका मूड खराब हो जाएगा ये सब बातें सोचेंगे तो। मैं कौन से मूवी की बात कर रहा हूँ? मैं बाहुबली की ही बात कर रहा हूँ, उस मूवी का नाम भी बाहुबली है। आगे चलते हैं, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बात समझ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूलर, वो है रुद्रसेन द्वितीय, 390 से 395। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे यारिची, आपने बिल्कुल सही लिखा है।
आपने दूसरा कमेंट करा है इस क्लास में, है ना। पहला कमेंट आपने सर लिखा था, बस उसमें 2 या 3 आर थे, उसके बाद आपने कुछ नहीं लिखा। सन ऑफ पृथ्वी सेन प्रथम एंड मैरिड प्रभावती, अच्छा ठीक है, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रवर सेन द्वितीय सन ऑफ रुद्र सेन द्वितीय 395 से 440, ये तो लिख ही दिया इसे मैंने ब्रैकेट में। ऑल्सो नोन एज दामोदर या फिर दामोदर सेन, करा दी नोट आपने। अब बनेंगे नेक्स्ट रूलर नरेंद्र सेन, ठीक है आप नोट करिए। अच्छा, जिन्हें बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है वो बीच बीच में माना कि मुश्किल है सफर पर तुमको मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना, कुछ करके सुन सकते हैं जाके, शायद आप में हिम्मत आ जाए क्लास को लगाने की, या सर याद करते समय सिर्फ याद करते समय सिर्फ अमित समझा नहीं बेटा, सिर्फ उन वर्क में फोकस करना ठीक रहेगा। एक बार डिटेल में आप लिख के मुझे डाउट सेक्शन में भेज दो। अब नफरत हो गई उससे। ऑल क्रेडिट गोज टू वन पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू राइट नाउ, राइट। मैंने उसे इतना बदनाम कर दिया कि अब आप उसे चलाएंगे भी ना तो आप कहेंगे अरे क्या है क्या है यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नरेंद्र सेन प्रथम मैरिड टू अजीहत अट्टारिका, डॉटर ऑफ काकूत सवर्णन, ये एक कदम्ब डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। देखो सच बात बोलूं, मोटिवेशन से लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होता। मोटिवेशन जो है वो आपको 2-3 मिनट तक एनर्जी देता है बस। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, गाने सुनने का या फिर कोई कविता पढ़ ली, जैसे वो सब होता है ना अजीबो गरीब, दिन बनाने में तो रात लगती है, तुम्हें आम बात लगती है, सब फर्जी बातें हैं। पढ़ाई कर लो और कुछ नहीं, सारी बातें बेकार की है, क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के बस। हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम शाम को उस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी दिन लग रही है रात लग रही है। अगला सवाल, अगली स्लाइड। आदत, एक तो इतने सवाल करा दिए हैं आप लोगों को, आदत ही वही हो गई है। कभी कभी तो खाना खाते हुए डर लगता है, जैसे एक रोटी खा ली तो लगता है अगला सवाल ही ना कह दूंगा अपने घर में। अगला सवाल पेश करा, पृथ्वी सेन द्वितीय
इज द लास्ट नोन रूलर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। After his death, branch took over the areas and reunited the Vakatak dynasty. लिख दिया है लंबी बात जिससे कि आपको पता रहे कि हुआ क्या। मुझे तुम कब तक रोके। हाँ ये वाला भी बताता है वत्स है वो, मैं सही कर देता हूँ उसे। वो देखा फिर हेरा फेरी में जैसे कहता पकड़ मुझे, देखा वो सीन जॉनी लीवर से लड़ाई करते समय, कुछ वैसे ही जो है आप लोग भी करते हैं। कोई आपको नहीं रोक रहा फिर भी आप कह रहे हैं मुझे तुम कब तक रोकोगे। अरे भाई कोई नहीं रोक रहा, पढ़ जाके। लास्ट पॉइंट समझाता हूँ अंकित, लास्ट पॉइंट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको समझ गए थे दो अलग अलग ब्रांचेस हो गई थी, दो अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग इलाके में रूल कर रही थी। एक समय आया जब पहली ब्रांच थोड़ी कमजोर पड़ी और दूसरी ब्रांच ने क्या करा, उसके इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। कर्सर में हटा देता हूँ, ठीक है। उसके इलाके भी अपने कब्जे में आ गए तो वो वाली ब्रांच खत्म हो गई और फिर से एक सिंगल ब्रांच बची। तो हम क्या टेक्निकली कह सकते हैं वाकाटक डायनेस्टी फिर से मर्ज हो गई। टुक ओवर का मतलब एक्चुअली देखिए, कोई भी शासक अपना एरिया देना नहीं चाहता, लिया जाता है उससे। तो टुक ओवर इज अ थोड़ा पोलाइट वर्ड लग रहा है। एक्चुअली दूसरी ब्रांच ने अटैक करा होगा, फिर अपने कब्जे में लिया होगा, इन्हें खत्म करा होगा। बिल्कुल सही। अब हम पढ़ेंगे दूसरी ब्रांच के बारे में, नोट कर लीजिए आप। जी हाँ वत्स कुल। जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। स्वागत है जी। चले दोस्तों आगे, आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं कहानी को आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेकंड ब्रांच, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो, ऑफ वाकाटक डायनेस्टी, ठीक है। सेकेंड ब्रांच हम पढ़ेंगे जो कि है कौन सी, वत्स गुल्म ब्रांच। इसकी जो कैपिटल यानी जहां पर ये थी वो थी वत्स गुल्म। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का अगर आप महाराष्ट्र का थोड़ा सा मैप जानते हैं, महाराष्ट्र कुछ ऐसा है तो यहां पर मान सकते हैं आप इसे वशिम करके, आज इसका नाम है वशिम, ऐसे कुछ बोलते हैं इसे महाराष्ट्र। प्रेजेंट डे लिख देता हूँ इसके आगे। और इसके जो फाउंडर है वो है सर्वसेन, कंवर सेन प्रथम के बेटे। ये 330 से 355 तक इस इलाके को संभालते हैं। आप नोट करिए इनके बारे में कुछ चीजें अगले पेज पे बताऊंगा।
सर्वसेन ही लिख रहा हूँ। एक काम करूंगा, ये वाले टॉपिक के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा मैं। इसके बाद चालुक्य आज भी आपको इसी पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाऊंगा। ये मुश्किल से 3 या 4 स्लाइड्स हैं, ये लिखवा के मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। जानता हूँ हैवी हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हिम्मत बांधे रखिए। 10 मिनट के या 5 मिनट के बाद आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, 2-3 मिनट का, चिंता मत करो। सर्वसेन, फिर से वही सेम डेटा लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, सेम ही नाम है, दोबारा से लिखा है बस। ही वॉज अ पोएट। मैं जानता हूँ यार ये बहुत मुश्किल है डेटा, बट अपने पास भी देखो कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसे बुक से पढ़ोगे ना तब आप समझोगे कि बहुत अजीबोगरीब डेटा होता है, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता क्या लिखा है। तो इसलिए मैं आपके लिए इसे कंसाइज करके बुलेट पॉइंट्स बना सकता हूँ, बट मेहनत तो देखो लगेगी ही आपकी। इन्होंने हरि विजय नाम की एक किताब लिखी थी, प्राकृत, was he was also known as all the best। नीरज अच्छे से एग्जाम देना, और जो जो पढ़ सकते हो सब पढ़ के जाना जी, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना पेपर में, क्योंकि सीजीएल 2022 का मेंस लोगों का नॉलेज की कमी की वजह से नहीं बिगड़ा, पहले सेक्शन की टाइमिंग का प्लान करने की वजह से बिगड़ा है। जिनको उनके साथ बहुत बच्चों के साथ के, वो पहला सेक्शन बिगड़ गया, वो घर से सोच के गए थे ये वाले 60 तो कर ही दूंगा, 60 में से कर दूंगा मैं अपना 58 57, तो और जैसे ही उन्होंने अंदाजा लगाया कि अरे मैं तो 47 ही कर पाया, वहीं पर उनकी साइकोलॉजी बिगड़ गई और काम खराब हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये हमने पढ़ाई करी है पहले शासक के बारे में, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट। ज्यादा कुछ नहीं है अब यहाँ पर बचा हुआ, नेक्स्ट है विंध्य, ठीक है नोट करिए। विंध्य शक्ति द्वितीय, ये 355 से 400, यहाँ से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है फिर भी पढ़ाया जा रहा है। ऑल्सो नोन एज विंध्य सेन, ऐसे करके कई सारे शासक आएंगे, प्रवर सेन द्वितीय आ जाएंगे, देव सेन आ जाएंगे। ये देव सेन वो नहीं है जिसने 3 तीर चलाए थे, दो की उम्मीद जिसे नहीं थी अचानक ही 3 चल गए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये देवसेन कोई और ही है, ये इनके एक मिनिस्टर थे वो देवसेना थी। अस्थि बोझ कितनी जल्दी सीखी थी वो भी प्रेशर में, उनने कोड बोला, इनने डिकोड करा, 3 तीर चला दिए, गजब। चैट जीपीटी हो रही है वो भी। अगले नंबर पे हरी सेन, अरे बाहुबली की बात हो रही है आज, सारी बातें बाहुबली की चल रही है। हरी सेन के बारे में एक दो बातें बताऊंगा आपको। जी हाँ बिल्कुल सही है, और भी हरी सेन रहे हैं। हरी सेन जी के बारे में एक दो बातें आपको बताता हूँ मैं। हरी सेन दोबारा लिखते हैं, 475 to 500, यस, एरो का मतलब ये है कि इनके बाद ये, इनके बाद ये नेक्स्ट रूलर्स। प्रमोटेड बुद्धिज्म, विहार्स एंड चैत्यास ऑफ अजंता केव्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, और बराहदेव was the minister of Hari Sen। नोट करिए,
यहाँ पर आपका 2 मिनट का ब्रेक शुरू होता है, आपसे मुलाकात करता हूँ, चैट आपकी ऑन रहेगी, आपस में ज़्यादा बातें मत करिएगा, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही। चलिए, थोड़ा लंबा ब्रेक आपको मिल गया है और बदले में आपका जो क्लास का एंड का टाइम है वो हो सकता है 5 मिनट में ऊपर ले जाऊँ, 4 मिनट ऊपर ले जाऊँगा। 4 मिनट को मैंने आपको जो है ब्रेक ही दिया था, थोड़ा सा मुझे भी आराम मिल गया गले को मेरे। खैर, चलते हैं आगे दोस्तों। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए हैं? चल, एक और इम्पोर्टेंट बात लिख देता हूँ। ही वॉज द लास्ट नोन किंग करके लिख लीजिए, नोन किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। मतलब इसके बाद के शासकों के बारे में कुछ अता पता नहीं है किसी को, तो माना जा सकता है कि यही आखिरी है जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञान है। यहाँ पर ये डायनेस्टी खत्म होती है, नई डायनेस्टी में पढ़ा रहा हूँ चालुक्य। उसके बाद हम एक और डायनेस्टी पढ़ेंगे पल्लव। काफ़ी सारी डायनेस्टीज मैं आपको कवर करा रहा हूँ, इस बात का मैं खास ख्याल रखना हूँ कि इन डायनेस्टीज को काम की बात बता के खत्म करा जाए। बिकॉज देखिए, अगर हम लंबे तरफ देखें तो कोई लिमिट नहीं है डेटा की, हमें वो पढ़ना है जो पेपर पूछता है और आगे बढ़ जाना है। अगली डायनेस्टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चालुक्यास। बिल्कुल, लास्ट किंग आप इन्हें कह सकते हैं जी। अगर आपसे पेपर कोई भी पूछता है लास्ट किंग कौन है, तो आप इन्हीं का नाम लेंगे, हरिसेन जी। नेक्स्ट डायनेस्टी मैं लिख रहा हूँ चालुक्यास। देखिए, फर्स्ट रूलर जो है वो माने जाते हैं जयसिंह, जयसिंह या जय सिन्हा जैसे भी कहें, लेकिन एक्चुअल फाउंडर ऑफ चालुक्य एम्पायर जो है पुलकेशिन को माना जाता है। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट रूलर जो है वो है जयसिंह, बट एक्चुअल फाउंडर जो है ऑफ चालुक्य एम्पायर, ये पहली स्लाइड है, वो है पुलकेशिन प्रथम। 6th सेंचुरी की है ये जो शुरुआत है, और ये पहले आप कहेंगे रियल फाउंडर माने जा सकते हैं पुलकेशिन प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो है इन्हीं के बेटे कीर्ति वर्मन, प्रथम 566 से 597, सन ऑफ पुलकेशिन प्रथम, टुक कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न केरल। बिल्कुल सही प्रतिमान। अच्छा, बहुत जगह आप देखोगे तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दिखती होगी आपको स्क्रीन पर कि सर पुलकेशिन अगर एक्चुअल फाउंडर है तो कुछ तो बताइए इनके बारे में, जयसिंह अगर फर्स्ट रूलर है तो कुछ तो बताइए कि वो कब से कब तक राज कर रहे हैं। हमें बात समझनी होगी कि इस पूरे इलाके पे आगे चल के बहुत सारी और डायनेस्टीज बनेंगी, और वो डायनेस्टीज जो सबसे पहला काम करेंगी वो इस डेटा को खत्म करने का काम करेंगी। तो उनमें से काफी सारी डायनेस्टीज, काफी सारे रूलर्स सफल भी हुए हैं पुराना इतिहास या जो इतिहास है उसे मिटाने में, इस वजह से काफी सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो है हम बस उसे पढ़ सकते हैं और बाकी मान सकते हैं। जयसिंह जो है ये फर्स्ट रूलर है चालुक्यास के, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो एम्पायर के माने जाते हैं वो पुलकेशिन प्रथम है। पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्ति वर्मन प्रथम, जो कि उन्हीं के बेटे थे, ये अगले शासक बनते हैं और एक केरला वाले हिस्से को, स्पेशली उसका नॉर्दर्न हिस्सा अपने कंट्रोल में लेते हैं। ठीक है, अभी पहला ही पेज है सपना है, ठीक है, ये पहली ही स्लाइड है। चले जी आगे, अगले नंबर पे आएंगे मंगलेश। जी, जय सिंह और जय सिन्हा एक ही बात है। साउथ में ना सिंह को ऐसे ही लिखते हैं, नरसिम्ह स्वामी है, वहां सिम्ह करके बोलते हैं सिंह की जगह। Years are, I don't think important. ये जो है son of पुलकेशिन
प्रथम। तो ये सन ऑफ पुलकेशिन प्रथम का क्या मैं कह सकता हूँ, मतलब हुआ कीर्ति वर्मन के भाई। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय पुलकेशिन द्वितीय, सन ऑफ कीर्ति वर्मा। इमेजिन कीजिए, यानी भतीजे ने एक तरीके से हत्या करी है, हम ऐसा कह सकते हैं। चाचा को या ताऊ जो भी रहे होंगे, चाचा ही होने के चांस ज्यादा है, उन्हें मारा होगा और बन गए होंगे नेक्स्ट रूलर पुलकेशिन द्वितीय 609 से 640। ही इज दी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्यास। ये इंपॉर्टेंट है, हु इज कंसिडर्ड, ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले पेज पे। हाँ, बिल्कुल यही वाले हैं कीर्ति वर्मन वन। आपने एक सवाल सुना होगा, हु डिफीटेड हर्षवर्धन, बड़ा फेमस सवाल है ये और एसएससी बहुत बार पूछता है, और उसका आंसर पुलकेशिन द्वितीय ही है। एक और सवाल बनता है, हु डिफीटेड पुलकेशिन द्वितीय, वो उसका आंसर है नरसिंह वर्मन। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है पुलकेशिन द्वितीय, ये मैं कहूंगा पूरे चालुक्य में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अधिकतर सवाल इसी पर्सनैलिटी से बनते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। मैं अगले पेज पर थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ इनके बारे में। पुलकेशिन या केशिन, जैसा भी लिखना चाहें। क्या मैं कह सकता हूँ ही वॉज दी ग्रैंड सन ऑफ पुलकेशिन प्रथम। ओरिजिनल नेम है इनका ए राय। एज पर ए होल इंस्क्रिप्शन, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट और इस संस्कृत भाषा के कवि थे। आपसे कोई पूछेगा कौन से इंस्क्रिप्शन पे लिखा है इनके बारे में, तो आपको आंसर पता है, माफ कर दिया है, पुलकेशिन। शुआंगजांग या जैसा भी इन्हें बुलाया जाता होगा, विजिटेड पुलकेशिन द्वितीय। कौन है श्वांगजांग? चाइनीज। फिजिक्स की क्लास 1 बजे है। क्या ये हुए इंसान से जुड़े हैं? क्या रिश्ता है इनका? नहीं पता, ये वही है। चाइनीज ट्रैवलर। क्या ये हुए इंसान हर्षवर्धन के दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन, हुए इंसान, पुलकेशिन द्वितीय सब एक ही टाइम के हो गए। और पता है इन्हें किस नाम से जाना जाता था भारत में, हुएन शांग, हुएन सांग को? कोई गैस करना चाहेगा? मोक्ष देव, इनका संस्कृत में हम लोगों ने नाम रख दिया था मोक्ष देव।
लिखता हूँ अगले पेज पे। When sun is equal to moksha dev, Sanskrit name. देख लो जरा क्या हो रहा है देश में। चले आगे। जी हाँ, ये इस बार ऐड करा है वो इंसान। हमने कहा ये सब नहीं, क्यों रखा क्या पता क्यों रखा। मतलब फनी नोट पे आप जानना चाहो तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी सितार गिटार बजा रहा है तो आ जाते होंगे, कह रहे मुझे बुलाया। हमने कह रहे तुम्हें नहीं बुलाया यार, अभी तो मैं गिटार सेट कर रहा हूँ अपना। तो हो सकता है इस वजह से इसका नाम, इनका नाम बदल दिया होगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा सिर्फ इस वजह से करा गया है बिकॉज ही चाइना की हिस्ट्री में इन इन इनका नाम हुएन सांग है। ऐसे हम अपनी हिस्ट्री में अपने तरीके इन्हें नोट करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने इन्हें अपना एक नाम दिया है जो मोक्ष देव। आगे चलते हैं। खैर, अभी भी हम पुलकेशिन द्वितीय ही पढ़ रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं ऊपर, आपको बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं लिखना है, वही पर्सनैलिटी की बात हो रही है। पुलकेशिन द्वितीय डिफीटेड हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय डिफीटेड महेंद्र बाहुबली, यानी वो महेंद्र वर्मन, ये एक पल्लव किंग थे। नरसिंह वर्मन सन ऑफ महेंद्र वर्मन डिफीटेड पुलकेशिन द्वितीय। कैपिटल इनकी ए होल ही है, मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट, ये कर्नाटक में है। ठीक है जी, कर लिया आपने नोट। अब आ जाते हैं अपने वाले पेज पर। नहीं, ये अलग है आपका। ये तो आई थिंक नॉर्थ कर्नाटक वाला हिस्सा हो गया, गोवा के ईस्ट वाला, बेलगाम वाला हिस्सा हो गया होगा, उत्तर कन्नड़ा वाला शायद। खैर आगे चलते हैं। अब क्योंकि हार गए हैं तो अगले शासक आएंगे, विक्रम आदित्य 655 से 680 सन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट कीर्ति वर्मन द्वितीय। देखिए अब इसके बीच में नेक्स्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, काफी सारे लोग बीच में आ जाएंगे है ना, तो यहाँ पर ब्रेक होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बीच में। 754 ही वॉज डिफीटेड बाय दंती दुर्ग, ये आपको शायद याद होगा, हमने वहां पर भी ये चीज पढ़ी थी जब राष्ट्रकूट आपको पढ़ाए थे। ही डिड, बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चला है श्रेया, बाद में इन्होंने जो है फिर से उस गद्दी को संभाला है। अगर आप नोटिस करेंगे टाइमलाइन, ये 642 पे है ख़त्म,
और ये 655 से शुरू है। तो जो आप लिख रहे हैं उसका आंसर यस है, और उसी वजह से बीच में गैप भी आया है करीब 10-12 साल का। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये लास्ट रूलर हो जाएंगे? ये लास्ट हो गए तो इनकी कहानी हो गई खत्म। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनकी कहानी से हमारे जीवन की कहानी का कोई लेना देना नहीं है। तो भले इनकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन हम तो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखेंगे सर बस, सर ट्रक, सर एरोप्लेन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हम अच्छे बच्चे की तरह प्यारी उंगलियों को कष्ट ना देते हुए अगली डायनेस्टी पढ़ेंगे। बदले में मैं आपको अपनी तरफ से वादा करता हूँ कि आखिरी डायनेस्टी है इस क्लास की, और उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। ये तो ठीक है। नेक्स्ट डायनेस्टी हम पढ़ेंगे पल्लव डायनेस्टी, आखिरी डायनेस्टी है। और क्लास जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कम से कम अभी चलेगी 15-20 मिनट और उसके बाद ही मैं आपको फ्री करूंगा। यहाँ से एग्जाम में सवाल आना तय है, विश्वास मानिए। आज की क्लास से जितने सवाल एसएससी ने पूछे हैं उसमें 1/4 क्वेश्चंस, 1/4 ऑफ दी यू नो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो पिछली क्लास और आज की क्लास में से है। ये सब भर भर के सवाल आते हैं ना, तो अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर सिलेबस इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट डायनेस्टी जो है, कोई बात नहीं, एक दिन आप एक काम करो, या तो अपनी 12 से 1 वाली छोड़ दो या फिर ये 12 बजे छोड़ देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास ही बैठो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा। पल्लव डायनेस्टी, तरीके बहुत हैं आपको पढ़ाने के, बहुत चालाक हूँ मैं, पता नहीं है अभी तुम लोगों को। पल्लव डायनेस्टी फाउंडर सिंह विष्णु, बताओ, बहुत बढ़िया निशांत, फाउंडर सिंह विष्णु। इसके बाद आपकी क्लास, आपको पता है ना कल परसों आपकी क्लास नहीं है, थोड़ा गले को मैं आराम देने की सोच ही ना हूँ, तो उसके लिए वो 2 दिन मैं क्लास नहीं रख रहा हूँ। तो 2 दिन अपना वो पेंडिंग काम पूरा कर लेना, ठीक है? 2 दिन वो वाली क्लास अपना रिकॉर्डेड में देख लेना। चल, फाउंडर जो है वो सिंह विष्णु है, ग्रेट रूलर जो है वो है महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, याद है ना ये सारे नाम। और जो कैपिटल है वो है इनकी कांची, या कांची। हाँ, 2 दिन के लिए ऑफ मैं सोच रहा हूँ अजीत ले लूँ, क्योंकि 3-4 दिन से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो 2 दिन का मैं सोच रहा हूँ ऑफ ले लेता हूँ, थोड़ा सा गले को आराम आ जाएगा। बिकॉज गले के साथ क्या है ना, जब तक आप आराम नहीं दोगे तब तक ये ठीक नहीं होगा, कितनी भी दवाइयाँ खाते रहो। इसलिए मैंने ये 2 दिन थोड़ा ज़्यादा कंटेंट करा दिया, सो दैट जो काम इस महीने का वो पहले ही पूरा हो जाए, बोले आपका लॉस ना हो। चार पांच पेज का डेटा है, पेज का मतलब स्लाइड के रूप में बता रहा हूं मैं, तो फटाफट पूरा करते हैं फिर आपकी छुट्टी करते हैं। कांची पता है ना कहां पर है दोस्तों, ये वाला इलाका आप मान सकते हैं, यहां पर था इनका किंगडम तमिलनाडु। अब थोड़ा सा डिटेल में खेल लेते हैं। फाउंडर जो है वो है सिंह विष्णु, क्या इन्हीं को मैं सिंह विष्णु भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और इन्हीं को सिम वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। 570 से 600 एडी वाला समय इन्हीं का है, और ही कंस्ट्रक्टेड द वराह टेंपल इन ममल्लपुरम। ये सब इलाके तमिलनाडु वाले हैं, फॉर योर रेफरेंस। सिंह विष्णु जी के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब महेंद्र वर्मन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नरसिंह वर्मन पढ़ाऊंगा, फिर आपको उसके बाद नंदी वर्मन के बारे में बताऊंगा, और फिर फ्री कर दूंगा। नोट कर लीजिए आराम से। पल्लव डायनेस्टी फाउंडर हो गए सिंह विष्णु या सिंह वर्मन या सिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, पावरफुल रूलर्स, एंड कांची वॉज द कैपिटल। ठीक है दोस्तों, हमने फाउंडर जी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर महेंद्र वर्मन। ठीक है, नोट करिए।
महेंद्र वर्मन 600 से 630, सन ऑफ सिंह वर्मन। ये ध्यान रखेंगे आप, ये सब तमिलनाडु वाला इलाका है सपना, अंदाजे के तौर पे। ऑल्सो आ पोएट, फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहो आप इंटरनेट पे एक एक करके नाम लिख देना, सबके जिले आ जाएंगे। ही कंपोज्ड, क्योंकि ये कवि भी थे, महाविलास, क्योंकि वहां पर और शासक पावरफुल थे इस वजह से। जी हाँ, इनके दो वर्क हैं, महाविलास प्रहसन और विचित्र चित्त, ये बुक्स कह सकते हैं आप। बुक्स कहें, मैगजीन्स ही कह सकते हैं। आपको याद होगा इनके बारे में, महेंद्र वर्मन के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय डिफीटेड महेंद्र वर्मन, है ना? तो हम सेम पॉइंट अगर यहाँ पे लिखे, ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय एंड डाइड ड्यूरिंग बैटल। देखिए ये सब एक साथ जी रहे हैं, आपको शायद राहुल याद होगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने दो लोगों को हराया है, तो इसका मतलब ये दोनों लोग जो है, हर्षवर्धन महेंद्र वर्मन, ये दोनों एक साथ जिंदा है। तो जो आप लिख रहे हैं वो सही है, सही कनेक्शन बना रहे हैं आप। इसके बाद आएंगे नरसिम्ह वर्मन अगले पेज पे, आप इसे नोट करिए पहले। लिया नोट, किसी ने नोट करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्लाइड दिखा दूंगा, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं। नरसिम्ह वर्मन 630 से 668, सन ऑफ महेंद्र वर्मन, कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज महामल और ममल्ल। क्या इनके नाम से कुछ अंदाजा लगा आपको कि इन्होंने ही बनाया होगा ममल्लपुरम? ही फाउंडेड द सिटी ऑफ ममल्लपुरम, कंसिडर्ड एज द, जी हाँ बिल्कुल सही, ममल्लपुरम। क्या यही महाबलीपुरम है आज का? जी हाँ बिल्कुल सही राहुल, महाबलीपुरम। ठीक है जी, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस में से एक है ये नरसिम्ह वर्मन
कंस्ट्रक्टेड रथ। महाबलीपुरम के रथ बहुत फेमस है। मैंने भी जीवन में सोचा है कि मैं एक बार घूमने वहां जाऊंगा, बट अभी समय नहीं मिला है। तमिलनाडु के लिए तो महीना चाहिए कम से कम। तमिलनाडु में इतना कुछ है और वो अपने पास है नहीं। ढंग से साउथ इंडिया घूमने के लिए 2 से 4 महीने का समय चाहिए, इतना कुछ है। अच्छा, गए हैं, बहुत बढ़िया। और उसके लिए मौसम बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मंदिर हैं बहुत सुंदर हैं, और अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपने पैर जो हैं वो तपते हुए नहीं चाहिए। पैर ठंडे होंगे तब जाके खड़े होकर अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। गर्मियों में चले जाएंगे तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें ढकी हुई नहीं है। रथ ऑफ महाबलीपुरम, शोर मंदिर। जी हाँ, और कैलाशनाथ टेम्पल, तो कांची में है, ये महाबलीपुरम में है, और ये भी महाबलीपुरम में। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। आप कहाँ के हैं निशांत रहने वाले? कौन से स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के हैं आप निशांत? जहाँ पे भी आपके पटना से आपको जो है लेके गए थे वहाँ तमिलनाडु। वाह, बहुत बढ़िया। मैं सोच तो रहा था करण जौहर वाला स्कूल है कि नहीं है, वही पटना में है, वहीं आना पड़ेगा हमें। हमारे स्कूल वाले तो हमें लोटस टेम्पल लेके जाते थे दिल्ली से। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि देखिए, स्कूल टाइम में जो ये ट्रिप्स होते हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। एक वो आपका जो सोशल इंट्रैक्शन है, फैमिली के थोड़ा सा दूर रहने का तरीका है, बहुत कुछ आप सीखते हो। तो स्कूल टाइम में जो ट्रिप्स है जरूर लगाने चाहिए। हाँ, अक्षरधाम, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, आपको कहीं नहीं लेके गए, आप अपनी फैमिली को लेके जाना। आप एक बार सेट हो जाओ बस, फिर सुकून ही सुकून है। फैमिली से दूर रहने का मतलब होता है रॉबिन, जैसे आप इतनी दूर गए हो तो 2-3 दिन आप अकेले अपने दम पे रहोगे ना, तो एज अ पर्सन आप डेवलप होते हो। देखो, मानो ना मानो, कुछ दिन तो परिवार से दूर रहना ही होता है। आप कितनी ही कोशिश करो, हो सकता है आपकी पोस्टिंग थोड़ी दूर हो जाए, तो एज अ पर्सन आप कैसे हैंडल करते हो चीज़ों को, वो भी पता होना ज़रूरी है। वो बात अलग है कि वहाँ जाके आप अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। कोई मान लेते हैं आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई जो घर से दूर है, तो वहां बुला लो सबको इफ पॉसिबल, वो बन गया घर, उसमें क्या है। ये हुएन भाई भी सब जगह जाए जा रहे हैं। हुएन सांग इनसे भी मिलके आए थे, मुझे तो लग रहा है यही जो है पंगे ना डालते हो। दोनों नाम है, मैं यहाँ पे वटपीकोंडा भी लिख देता हूँ, दोनों। अभी स्लाइड दिखा देता हूँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया योगेश। कर्नाटक बहुत सुंदर है। मैंने कुछ जगह घूमने जाना है अपने जीवन में, जिसमें एक सतारा है। सतारा मेरी पोस्टिंग हुई थी बैंक की, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ वहाँ पे। उसके अलावा कर्नाटक में एक ये मैसूर वाला इलाका है, इसके अलावा केरला में कुछ है प्लेसेस, उसके अलावा ये अपना मदुरई, कन्याकुमारी, ये पूरा तमिलनाडु है। उसके अलावा भी कई सारे इलाके हैं जो मतलब मैंने दिमाग में ही सही एक लिस्ट बना रखी है। यस प्रशांत, कर्नाटक वाला। एक स्लाइड और है, उसके बाद खेल खत्म कर रहा हूँ। PS2 को महेंद्र किल किया था और मौसम किल किया था। आप बताएंगे सुदीप, इसका आंसर देखो, इसे रीड करो आप। पुलकेशिन ने महेंद्र को मारा, और समझ पा रहे हैं, और नरसिंह ने पुलकेशिन को मारा। अब इसे हम अपने कंटेंट से वेरीफाई करते हैं। वॉज कहा गया, वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन 2, और महेंद्र के बेटे नरसिंह ने क्या करा जी, किसे मारा या किसे हराया, जैसा भी आप कहें। पुलकेशिन जो थे, ठीक है, वेरीफाई हो गया। ऐसे हमेशा वेरीफाई करा करें, बिकॉज बीइंग ह्यूमन एनीबॉडी कैन यू नो मेक सम मिस्टेक। तो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी किसी ने किसी को मारा, फिर उसके बेटे ने बदला लिया, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट,
रूलर ठीक है, नोट कर लो आराम से। एक स्लाइड और है फिर आप फ्री हो, उसके बाद हम इस कोर्स में मिलेंगे 29th को। डाउट सेक्शन आपका खुला रह गया है आज, कोई बात नहीं, चलो कर लिया नोट। नेक्स्ट महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर हैं परमेश्वर वर्मन, बहुत सारे ऐसे के करके नाम आएंगे। परमेश्वर वर्मन, ये नाम ऐसे ही चलते रहेंगे। अपने को जो पढ़ना है वो है लास्ट रूलर, वो है कोई अपराजित वर्मन है, और उसके बाद भी एक शासक आए हैं वो है नंदी वर्मन द्वितीय। तो आपको नंदी वर्मन द्वितीय की तरफ जाना है, ये बेटर आंसर होगा। ये ना दिखे तो आप ऊपर वाले पे टिक कर सकते हैं। ये क्यों फेमस है? कंस्ट्रक्टेड मुक्तेश्वर मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर एंड वैकुंठ परुमल मंदिर, ये कहाँ पर है जी? कांची में। यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड होती है दोस्तों, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जाना चाहे जा सकता है, सिर्फ डाउट्स लिए जाएंगे इस क्लास में, और आपसे मेरी 1 बजे फिजिक्स के कोर्स में मुलाकात होगी। 2 दिन मैंने आपको थोड़ी लंबी क्लासेस लेके पढ़ाया है, बट ये आप ही की और सिर्फ आप ही की भलाई के लिए कराया है, सो दैट 2 दिन में 3 दिन वाला कंटेंट कवर हो जाए। और एक क्लास अब आपकी बची है जिसमें मैं आपको कुछ मिसेलिनियस टॉपिक्स कवर कराऊंगा, ये कोर्स उसके बाद पैक हो जाएगा, ठीक है। इसी महीने में जैसा मैंने आपको वादा किया था, ये कोर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बायोलॉजी वगैरह भी इसी तरीके मैं आपका जल्दी ही पूरा करा दूंगा, उसके बाद अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स चलेगा, उसमें केमिस्ट्री पहले पूरा करेंगे और उसके बाद फिजिक्स। जी हाँ, दोनों के दोनों मंदिर कांची में है। ये दो मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ परुमल मंदिर, बड़े फेमस मंदिर है, और जो भी जो है तमिलनाडु घूमने जाता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो यहाँ जरूर होके आता है, स्पेशली ये वैकुंठ परुमल मंदिर में, ठीक है। काफी कुछ मैंने योगेश आपको पूरा करा दिया है, एंड कुछ छुटमुट जो बचा है वो मैं आपको आने वाली क्लास में कराऊंगा, तभी बताऊंगा वो क्या है छुटमुट, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, आप सभी से मिलते हैं आने वाली क्लास में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल। अब डाउट्स देख लेते हैं जी। जय हिंद जी। सीजीएल क्या चीज है, किस चीज का पेपर है ये? अच्छा, ये मुझे मतलब बताइए, देखिए क्या है ये सब, ये क्या है 3/3, 3/13, ये क्या है? सैंक्रेड, यस, आप लोग बेटर जानते हैं क्या लिखा है ये। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं होंगे 3/3, 3/13, राइट और रॉन्ग नहीं हो सकते टोटल मिला के। फिर देखो ये तो हो गया मेरा ख्याल मैक्सिमम मार्क्स, ये टॉपर के मार्क्स हो गए, ये टाइम हो गया, ये पता नहीं रैंक हो गई, क्या हो गया है। आप अगर क्लास में है तो मुझे बताइए थोड़ा सा, रॉबिन क्या है ये? सॉल्व और टोटल तो नहीं होंगे ना तीन? अब एक बात बताओ, 3 क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करोगे 16 मिनट में? आप मुझे बताइएगा। और देखिए एक सजेशन है आप सभी के लिए, आप क्लास में जो है अवेलेबल रहा करें जब भी आपका डाउट होता है, सो दैट यू नो मैं आपसे कुछ पूछ पाऊँ, पूछना चाहूँ तो ये आपका डाउट रॉबिन मैं भी लेता हूँ थोड़ी देर में, अगला डाउट देख लेता हूँ। अच्छा रॉन्ग राइट है, ठीक है, अभी देखते हैं, चलते हैं इस डाउट के बाद वहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन के केस में इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है श्रेया, ये बैंक टू बैंक, पर्सन टू पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका, उस पर डिपेंड करता है, मतलब ये अगेन इट डिपेंड्स वाला आंसर है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें छुपा होगा इसका आंसर। रॉबिन मुझे ये बताइए पहले 3 का, दूसरी ये क्या है, ये आपका जो पेपर है ये सीजीएल का मॉक है जिसमें हर सेक्शन के 25 सवाल होते हैं, ठीक है, उसमें इस पहले 3 का क्या मतलब है? करेक्ट, यानी 3 आपने करेक्ट करे हैं, और अगले 3 का क्या मतलब है? रॉन्ग। और बचे हुए सवाल कहां गए? 19।
नहीं ये क्या है, ये 19 क्वेश्चंस कहाँ गए, जैसे टोटल 25 होने चाहिए। नहीं और ये क्या चीज़ है, 20 मिनट 48 सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि रीजनिंग के 3 सवाल बनाने में आपको 21 मिनट लगे हैं। छह बनाए थे, कुछ गड़बड़ है रॉबिन। आप क्या मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 1 बजे वाली क्लास में आप आ रहे हैं? अगर आप नहीं भी पढ़ रहे तो आप 1 बजे वाली क्लास में आइए, मेरी वो क्लास 1 से लेकर 3 बजे तक चलेगी। आप मुझे 2:30 बजे के आसपास जो है याद दिलाएंगे, ये सेम डाउट भेजेंगे, मैं आपका रेजा हैंड लूंगा, वहां पर मैं आपसे बात करूंगा और फिर मैं जानना चाहूंगा सिचुएशन क्या है, ठीक है? आज ही भेज दीजिएगा क्योंकि इसके बाद 1 ही प्लस की क्लास है इस महीने में, वो भी रात को 10 बजे है, तो ऐसा ना हो कि उस समय आपका डाउट क्लियर ना होगा, ठीक है? मेक श्योर आप मुझे 2:30 बजे से पहले पहले या 2:30 बजे के आसपास एक बार याद दिलाएं, ठीक है? चलो अगला डाउट देखते हैं, मे बी पॉसिबल, वैसे नहीं इस क्लास में नहीं होगा, अगली क्लास में आप भेजना, काफी सारे डाउट्स आए हैं। ये ऋतिक कल की आप क्लास देखेंगे मेरी, कल मैंने किसी एक क्लास में दिशा का सेम डाउट था आई थिंक ये वाला, या इससे कुछ मिलता जुलता डाउट था, ये मैंने कवर कराया है, आप कल की क्लास देखिएगा। आई थिंक 1 से 3 वाली कैड में कराया होगा, 1 से 3 वाली में कराया है, किसमें कराया है आप में से कोई अगर बताना चाहे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझा दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई थिंक 1 बजे जो फिजिक 1 बजे बायोलॉजी की क्लास थी उस कैड में मैंने पढ़ाया है, यू जस्ट चेक दैट वंस। कुछ टॉपिक्स आए हैं वो मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ उनकी जरा। प्रिया जो आपने टॉपिक्स भेजे वो मैंने नोट कर लिए हैं, मैं एक बार इन्हें एनालाइज करता हूँ और अकॉर्डिंगली आपकी आने वाली क्लास प्लान करता हूँ। श्रेया अच्छा आप उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि अमोर्टाइजेशन कैसे उतारना बेहतर होता है। सी आपको ये वैसे तो थोड़ा डिटेल डाउट हो गया, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बैंक जो आपके आपने जो बैंक का पैसा देना है वो आपकी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी के ऊपर जो है ब्याज चार्ज करते हैं, तो आप दोनों में से कैसे भी पे कर सकते हैं, बट बेटर रहता है कि आप शुरू में जल्दी जल्दी किस्तें उतारिए। मान लेते हैं कि आपके 10 लाख रुपए वहाँ पे खड़े हुए हैं और आपका 1% पर मंथ वाला ब्याज है ना, अगर आप कैलकुलेशन के लिए, तो क्या आपको हर महीने 10,000 रुपया फ्री में देना होगा? इट्स नॉट एक्चुअली फ्री, बट स्टिल वी कैन से कि जेब से फ्री में जा रहा है देसी भाषा में। तो अगर मैं हर बैंक वाले मेरी किस्त 15,000 रुपये महीने की बांध देते हैं, तो पहले महीने में जो मेरे 15,000 है उसमें 10,000 रुपये से कोई फायदा नहीं होगा, 5,000 रुपये मेरे प्रिंसिपल में से कम हो जाएंगे। अगले महीने की जो 15,000 है उसमें ये 10,000 रुपये फ्री में नहीं जाएंगे, मे भी हो सकता है 9,990 रुपये जाएं, और बाकी जो मेरे 5,010 रुपये हैं ये मेरे प्रिंसिपल से कम हो। ये आप समझ पा रहे हैं ये कम क्यों हो गया? क्योंकि इस बार 10 लाख रुपये पे ब्याज नहीं लगेगा, 10 लाख माइनस 15, 10 लाख माइनस 5,000 रुपये लगेगा, ठीक है? ये वैल्यूज बस ऐसे ही ले रहा हूँ मैं, कोई एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके कहानी चलती रहेगी। तो अगर आप अपनी किस्तें भर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट के साथ, तो जो आपका पैसा है वो सबसे पहले ब्याज में ज्यादा जा रहा है। अगर मैं हर महीने का आपका बनाऊं, आपके 15,000 रुपये में से कितना ब्याज जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ पहले महीने 10,000 गया, अगले महीने 9,990, अगले महीने 9,970, ऐसे करके क्या ये डाउन आता जाएगा? और बाद में स्पीड में डाउन आएगा, सोच के देखो, सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि बाद में क्या होगा, ये जब मान लेते हैं आपके पैसे में 2 ही लाख बचे, अब भी आप 15,000 भर रहे हैं, तो इस बार ये 10,000 के आस 10,000 की जगह सिर्फ 2,000 ब्याज होगा और बाकी 13,000 आपके प्रिंसिपल को कम करने में इस्तेमाल होगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं जो उस समय समझाना चाह रहा था वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, वो इकोनॉमिक्स ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता क्या बेटर है क्या वर्स है, वो ये है इफ पॉसिबल शुरू में ज्यादा ज्यादा पैसे उतारिए, सो दैट आपको शुरू में ही ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है कम हो जाए। मान लेते हैं एक बार आपने इसे 7 लाख पे पहुंचा दिया, अब आप 15,000 की जगह 14,000 भी भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7,000 रुपये महीना आपका ब्याज जाएगा, बाकी 7,000 रुपये महीने से आपकी किस्तें उतरेंगी यानी प्रिंसिपल उतरेगा। तो बेस्ट रहता है कि शुरू इस प्रिंसिपल को मिनिमम पे लेके जाइए, बट प्रैक्टिकली लोग ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज अगर कोई लोन लेता है तो उसे पैसे की नीड होती है, अगर उस पर वो 3 लाख रुपए शुरू में ही पड़े होंगे तो वो लोन ही नहीं लेगा,
तो वो हो जाता है कि कंडीशन प्रैक्टिकली क्या है एक इंसान की जेब की और थियोरिटिकली क्या उसे करना चाहिए उसके बीच में डिस्प्यूट। बट इफ पॉसिबल शुरू में हमें ज्यादा भारी रकमें और बाद में हमें कम भारी रकमें भरना में फायदा होता है। क्या बात को समझ पाए? यानी मैंने लोन ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, अगले 2 साल अपना खर्चा घर का बहुत कम कर दूंगा। मुझे टीवी खरीदना है मैं नहीं खरीदूंगा, मैं सस्ता टीवी खरीदूंगा। मुझे फ्रिज खरीदना मैं छोटा खरीदूंगा, बट किसी भी तरीके इसे मैं कम कर दूंगा। उसके बाद पूरे चांस है वो टीवी मेरा फ्री में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए? क्योंकि मैंने शुरू में जल्दी जल्दी किस्तें उतार दी और बाद में जो है मेरे पास बहुत सारा पैसा बच गया, उससे मैंने अपनी बाकी शॉपिंग कर दी। ये लॉजिक है। आपका मतलब क्या है मोरेटोरियम का? आप मुझे आपकी डेफिनेशन बताइए इसकी, फिर मैं आपके सवाल का आंसर दूंगा श्रेया। मतलब आप क्या मीन कर रहे हैं इस वर्ड से? कोई प्रेफरेंस नहीं है अमित, सब कुछ पढ़ना है। जो आपको आसान लगता है उसे पहले पढ़ लीजिए, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। बाद में दूसरी चीजों को पढ़ लीजिए, कोई प्रेफरेंस नहीं है इसका, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक दो टॉपिक्स और ये रिचि ने भी भेजे हैं, वो मैं नोट कर लेता हूँ। बैंक एम्प्लॉय को तो लोन मिल जाता है योगेश, और बहुत फायदेमंद होता है वो लोन, क्योंकि जनरली कई बैंक से क्लॉज डाल के रखते हैं कि अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बहुत फायदा होता है बैंक के एम्प्लॉय, तो जितने होते हैं सब लोन लेके रखते हैं बैंक से। राहुल इज 31st फ्रॉम द टॉप। देखो सिंपल तरीके करते हैं इस सवाल को, 31st फ्रॉम द टॉप है यानी ऊपर 30 लोग हैं, फिर राहुल भाई बैठे हैं। विनोद विनोद इज 53rd फ्रॉम द बॉटम यानी पहले 52 लोग बैठे हैं और उसके बाद एक बैठे हैं विनोद। देर आर 22 बॉयज बिटवीन विनोद एंड राहुल, तो 22 लोग यहाँ पर बैठे हैं। 15 गर्ल्स इन अदर रो हैं, टोटल बच्चे कितने हैं? तो अगर मैं देखूँ 30 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 32, 32 और 2 34 और 20 54। अदर रो, इस अदर रो का क्या मतलब है? अच्छा मिनिमम स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है ठीक है। तो इन्हें हम पलट सकते हैं ना, अब इन्हें मिनिमम लिखा तो हम इन्हें पलट सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं? इस 23 के बाद एक को लिखा रहने दो और इस 52 के बाद भी एक को लिखा रहने दो, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि 22 लोग इनके बीच में होंगे। यानी राहुल को नीचे कर दो, विनोद को ऊपर कर दो। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने मिनिमम वर्ड नहीं देखा था। 30 लोग बैठे हैं, ठीक है मान लेते हैं जी ये 30 लोग हैं, तो फिर एक राहुल बैठा है और उसके बाद 52 लोग हैं और ऊपर की तरफ विनोद है, बीच में 22 लोग हैं। अगर मैं बीच में 22 लोग कर देता हूँ तो क्या ये जो एक पर्सन है ये विनोद हो जाएगा? ये एक राहुल है और ये एक विनोद है, कोई तकलीफ आपको? यहाँ मैं राहुल कर देता हूँ, मैं ऐसे बैठा सकता हूँ, मेरे को शौक है क्योंकि मुझे मिनिमम करने, अदरवाइज लेंथ लंबी हो जाएगी। 22 बॉयज हैं विनोद और राहुल के बीच में, बिल्कुल सही। राहुल 31st फ्रॉम द टॉप है यानी आप मुझे बताओ ऊपर 30 लोग और हैं जिसमें 23 यहाँ पर, तो क्या 7 लोग और बैठे होंगे? क्या पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी? 31st फ्रॉम द टॉप देखो 7, 8, 20 और 30 यानी 31। विनोद 53rd फ्रॉम द बॉटम है यानी विनोद के नीचे 52 लोग बैठा दो, तो क्या 29 और बैठ सकते? बस हो गया काम। अब इसका टोटल कर लो, 30 ये हो गए, 23 ये हो गए और ये अपना हो गया 60, और 15 बच्चे और बैठे हैं कहीं और, 75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पूछता तो ये आपका आंसर होता, इसमें आप सब में टोटल में 15 और जोड़ देते। आई होप राहुल आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं स्पाइडी, ये इसका आंसर मेरे पास नहीं, इसका आंसर तो आप ही के पास होगा ना। क्लास देखिए, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जाने दीजिए, मतलब इट्स अप टू यू। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने श्रेया, ये बैंक्स वालों की बड़ी चालाकी वाला कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि इससे पहले नहीं भर सकते वरना पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि बैंक्स चाहते हैं आपकी जेब से ब्याज को खींचना। बट आपको ये कौन मना कर रहा है कि आप जल्दी जल्दी मत भरो? जल्दी जल्दी भर तो लोन चलने दो 3 साल तक, मतलब उसमें भी कई सारे लूप होल्स होते हैं श्रेया। वो तो देखिए प्रैक्टिकल जो आप जो साइन करते हैं, मतलब वहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट होते हैं बहुत सारे, उसमें आप साइन करते हैं भाई मैं 5 साल तक भरूंगी, इतने इतने ऐसे ऐसे भरूंगी। वो जो ऊपर पूरी कहानी लिखी है इसका आंसर उस डेटा में है, आपके या मेरे पास नहीं है। वो बैंक टू बैंक, पर्सन टू पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली करता है कि आप किस तरीके लोन लेते हैं।
घास काफी ऊपर हो गई है। बिल्कुल योगेश, आपने सही लिखा है, इसलिए अधिकतर सैलरीड एम्प्लॉयज लोन लेते हैं, वो भी आपका होम लोन बेस्ट रहता है। एक्चुअली श्रेया, थ्योरेटिकली यू शुड बी एबल टू पे द लोन बैक, बट बैंक्स डू नॉट अलाउ यू टू डू दैट बिकॉज उससे उनका ब्याज जाएगा, उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। बैंक्स बड़े चालाक होते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट का ना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ मैं ए से बी तक गया और मैं इसमें कितना चला, मैं इसमें चला 10 मीटर ईस्ट, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं बी से ए तक जो है माइनस का 10 मीटर चला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ले लेंगे। तो मैं इसे ग्राफ पे समझता हूँ, ऊपर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर माइनस। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो मैंने कहा मैं +10 यूनिट चला, तो अगर जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं माइनस का 10 यूनिट चलूंगा? ये है निगेटिव का मतलब। निगेटिव जो साइन है ना प्रणाम, वो सिर्फ ये बताता है कि मेरी डायरेक्शन किधर है। अगर निगेटिव है तो मेरी डायरेक्शन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से उल्टी है, बस इतना दिखाता है निगेटिव। एक्चुअली में माइनस में कुछ मीटर नहीं हो सकता, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। हाँ बिल्कुल सही रहेगा श्रेया, बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। समझा नहीं बेटा क्या लिखा है आपने? अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया, शोका वाले की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में नहीं समझे आपकी। कोई टॉपिक प्रेफरेंस नहीं है, देखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे। नीरज आप एक बात बताओ, आपसे मॉक में साइंस में किस चीज के सवाल बन जाते हैं? अगर आपसे मान लेते फिजिक्स बन जाते तो उसे मत लगाओ, केमिस्ट्री बन जाते उसे मत लगाओ, बायो नहीं बनती तो उसे लगा लो, मतलब इस तरीके चल लो, मतलब जो नहीं बनता वो लगा लो। टाइम कितना हो गया? अरे भैया तुम तो यहीं से मुझे फिजिक्स की क्लास में लेके जाओगे। सीक्वेंस नहीं समझा मैं। महाजनपद में हम सिर्फ सबकी कैपिटल्स पढ़ते हैं क्या? कैपिटल्स आपको नहीं पढ़ाई गई है महाजनपद की? अच्छा ये वही सवाल बड़ा वायरल हो रहा है, वैसे तो मैंने कवर करा दिया है, इसे वायरल करने में भी मेरी ही भूमिका है एक तगड़ी सी, क्योंकि मैंने ही वो सवाल आप लोगों को दिखाया था। ये करा देंगे, चिंता ना करें। ठीक है, कुछ डाउट्स मुझे अगली क्लास में ही लेने होंगे, ये आखिरी डाउट एक मैं ले लेता हूँ बस। बिल्कुल है, राधा पुराना है, वहीं पर है जहाँ से आपने ज्योग्राफी पूरा करा है ना, उसके आगे पीछे ही है, जुलाई 21 के आसपास। बेटा आप भी जैसा अभिषेक देख पा रहे हो वो विजिबल नहीं है, आप ना प्रिंट स्क्रीन टाइप लेके कुछ भेज दिया करो, कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, या प्रिंट स्क्रीन लिया लैपटॉप में, या जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, विंडोज शिफ्ट एस दबा के भी स्क्रीन शॉट आ जाता है, वो लेके पेंट में चिपकाया, पेंट में क्रॉप वगैरह करना है तो करा और सीधा मुझे भेज दिया। तो कुछ मोरेन वगैरह लिखा है ये तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, शायद ये मोरेन आर एक्यूमुलेशन ऑफ डेबरी इंक्लूडिंग ये वो करके, ये तो सही लग रहा है, बट आगे मुझे नहीं पता इधर क्या लिखा है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा उसका। और ये टिपिकली है, पता नहीं क्या लिखा है, आपको दोबारा ही भेजना होगा मुझे, होगा राधा आप एक बार अच्छे से चेक करिए, ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी डाउट्स अगली क्लास में, आई होप यू अंडरस्टैंड। 15-20 मिनट मेरे पास है, 25 मिनट है, उसमें खाने वाला मैं भी खा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए। बाकी कुछ डाउट्स हैं वो मैं आने वाली क्लास में लेता हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।